नमस्कार दोस्तों, मेरे ट्रेवल चैनल ट्रेवल विद आडियो आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अंडमान में एक ऐसा भी जगह है जिसके तट जो है अब तक के सबसे फेमस हेवलॉक बीच से भी ज्यादा सुंदर है। तो दोस्तों, आपने अब तक सुना होगा कि हेवलॉक बीच ही सबसे खूबसूरत है अंडमान में, लेकिन ऐसा नहीं है। वैसे आंकड़ों के अनुसार हेवलॉक का जो राधानगर तट है वो दुनिया के टॉप 10 या टॉप 5 बीचेज में आता है और काफी खूबसूरत है। हेवलॉक का राधानगर तट भी काफी खूबसूरत है और वहां पर आपको जरूर जाना चाहिए। लेकिन ये सारे के सारे जो एरिया हैं, जो फेमस एरिया हैं अंडमान के, जैसे पोर्ट ब्लेयर, हेवलॉक, नील, ये सब सारे साउथ अंडमान में है। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो नॉर्थ अंडमान भी जाते हैं। नॉर्थ अंडमान में आपका डिगलीपुर सबसे लास्ट जो है शहर है, वहां पर जाने के लिए आपको लगभग 300 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है, लगभग दिन भर आपको लग जाता है। तो नॉर्थ अंडमान अगर जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें कम से कम 3 दिन का एक्स्ट्रा समय लेके चलना पड़ता है, लगभग 10-11 दिनों का आपका अंडमान का सारा ट्रिप हो जाता है। तो इसमें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि डिगलीपुर जब जाते हैं तो ये वही डिगलीपुर है जो पिछले वीडियो में मैंने आपको जरवा जनजाति वाले रोड के बारे में बताया था, तो उसी रोड से होकर आपको गुजरना पड़ता है। या फिर आप पोर्टब्लेयर से डिगलीपुर की पहले फेरी भी चला करती थी, तो हो सकता है फेरी की जो सर्विस है वो साल में कभी कभी बंद भी हो जाती है। तो अगर आप डिगलीपुर जाते हैं तो वहाँ पर एक आइलैंड है, रॉस एंड स्मिथ आइलैंड। ये द्वीप इतना खूबसूरत है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। यहाँ पर जैसे ही आप जाते हैं तो वहाँ पर भीड़ भाड़ आपको हेवलॉक जैसी नहीं मिलती, लेकिन वो इतना खूबसूरत है कि मैं अभी उसका सही सही बता नहीं सकता शब्दों में कि वो कितना खूबसूरत है। उसकी तुलना आप मॉरिशस या मालदीव्स जैसे स्थानों से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मालदीव्स मॉरिशस के बीच भी फोटो में उस तरह के खूबसूरत दिखते हैं। खैर, अभी तक मैं वहाँ तो नहीं गया हूँ, लेकिन रॉस एंड स्मिथ आइलैंड की जो खूबसूरती है वो एकदम गजब है, वहाँ आपको जरूर जाना चाहिए। नॉर्थ आइलैंड अगर जा रहे हैं तो आपको रॉस एंड स्मिथ आइलैंड जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, इस नाम में आप कन्फ्यूज मत करना, क्योंकि रॉस आइलैंड एक पोर्ट ब्लेयर के सामने भी है जो सिर्फ रॉस आइलैंड के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ जो है डिगलीपुर में वो रॉस एंड स्मिथ आइलैंड है। रॉस एंड स्मिथ आइलैंड की खासियत यह है कि यहाँ पर रॉस और स्मिथ दो आइलैंड्स आजू बाजू स्थित हैं और यहाँ पर बीच से समुद्र, चारों ओर समुद्र है। तो यहाँ पर होता यह है कि कभी कभी हाई टाइड, लो टाइड या ज्वार भाटे के समय जो है यहाँ दो तरह के बीचेज जो हैं दिखाई पड़ते हैं, और कभी कभी हाई टाइड में दोनों बीच आपस में मिल भी जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का अद्भुत नज़ारा आपको देखने मिलेगा कि दो समुद्र के बीच जो आमने सामने स्थित हों आपस में मिल भी सकते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे दो समुद्र जो है आपस में मिल रहे हैं, तो काफ़ी गजब नज़ारा होता है। पानी का कलर तो मत ही पूछिए, वहाँ पर न जाने कितने तरह के कलर वहाँ पर मौजूद हैं। तो दोस्तों, मेरी नज़र में ये बीच मुझे हेवलॉक से भी ज़्यादा अच्छा लगा था कुछ कुछ मायनों में। अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको लगभग अंडमान की जो जर्नी है एक हफ्ते की, उसे कम से कम 10 दिनों तक आपको खींचना पड़ेगा। और हेवलॉक देखने के बाद आप इस बीच पर भी जाइए, दोनों की कंपैरिजन कीजिए। अगर आपको कैसा लगा मुझे बाद में आप बताइएगा कि मैं आज जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ कि या नहीं। तो ये जो रॉस स्मिथ आइलैंड है वहाँ पर वैसे किसी तरह की वाटर स्पोर्ट्स या किसी तरह की एक्टिविटी वहाँ पर नहीं होती, आपको सीधे डिगलीपुर के जेट्टी में जाना होता है और वहाँ से बोट वाले आपको 15-20 मिनट के अंदर बोट से पहुँचा देते हैं। वहाँ 1-2 घंटे रुकने के बाद आपको वापस ले आते हैं। बोट के चार्जेस लगभग 500-600 रुपये के आसपास होती है। तो दोस्तों, ये रॉस एंड स्मिथ आइलैंड काफ़ी आश्चर्यजनक आइलैंड है और इस तरह का द्वीप मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। और ये इस तरह का आइलैंड मैंने पहली बार रॉस एंड स्मिथ ही देखा था, जहाँ पर दो बीचेज या दो समुद्र तट आपस में मिल रहे हैं, टकरा रहे हैं। काफ़ी बढ़िया ये सी बीच है। और वैसे अभी तक ये इतना फेमस नहीं हुआ, लेकिन ये हेवलॉक के बिल्कुल टक्कर का बीच है और इस तरह का बीच जो है भारत में और मेरे हिसाब से कहीं नहीं होगा। हो सकता है लक्षद्वीप में हो सकता है, क्योंकि लक्षद्वीप भी इसी तरह का कुछ द्वीप समूह है, लेकिन अभी तक मैं वहाँ गया नहीं हूँ। लेकिन भारत का सबसे बेस्ट जो बीच अभी तक मुझे लगा ये रॉस एंड स्मिथ आइलैंड ही था। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। आपको कुछ कुछ नज़ारे भी इसके मैं दिखाते चलता हूँ कि रॉस एंड स्मिथ आइलैंड कैसा था। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।